हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ की जिला हमीरपुर इकाई द्वारा जिला स्तरीय कर्तव्य बोध दिवस कार्यक्रम का आयोजन राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हमीरपुर में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता महासंघ के जिला प्रधान नरेश कुमार शर्मा ने की। महासंघ के वरिष्ठ प्रांत उपाध्यक्ष जगबीर सिंह चंदेल ने बतौर मुख्य वक्ता इस कार्यक्रम में शिरकत की। चंदेल ने शिक्षकों का आह्वान किया कि वे अपने कर्तव्यों व दायित्वों के प्रति सजग रहें, जागरूक रहें, ताकि समाज में जो उनकी छवि राष्ट्र निर्माता के रूप में बनी हुई है वो बरकरार रहे। हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे विद्यार्थी किस दिशा में जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के जिला हमीरपुर इकाई द्वारा जिला स्तरीय कर्तव्य बोध दिवस कार्यक्रम का आयोजन राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हमीरपुर में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता महासंघ के जिला प्रधान नरेश कुमार शर्मा ने की। महासंघ के वरिष्ठ प्रांत उपाध्यक्ष जगबीर सिंह चंदेल ने बतौर मुख्य वक्ता इस कार्यक्रम में शिरकत की। चंदेल ने शिक्षकों का आह्वान किया कि वे अपने कर्तव्यों व दायित्वों के प्रति सजग रहें, जागरूक रहें, ताकि समाज में जो उनकी छवि राष्ट्र निर्माता के रूप में बनी हुई है वो बरकरार रहे। हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे विद्यार्थी किस दिशा में जा रहे हैं। आज बहुत से दुर्व्यसन प्रचलित हैं जिनकी गिरफ्त में हमारे विद्यार्थी फंसते जा रहे हैं। हमें अपने विद्यार्थियों को इन बुराइयों से बचाने का बीड़ा उठाना होगा। बच्चे सोशल मीडिया का सही उपयोग माता पिता की देख रेख में करें। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के उपाध्यक्ष विजय शर्मा, जिला मंत्री राजेश कुमार, संगठन मंत्री सुरजीत शर्मा, कोषाध्यक्ष पवन ठाकुर, भोरंज खंड के प्रधान बलदेव कुमार, हमीरपुर खंड के प्रधान संजीव कुमार, सुजानपुर खंड के प्रधान अनिल शर्मा, नादौन खंड के प्रधान सुभाष चौधरी, बिज्जर खंड के प्रधान बलदेव केबल ठाकुर, कमलेश शेखर, हरीश, संजीव ठाकुर, सुरेंद्र, मुकेश कुमार, राकेश, अनिल धीमान, राजेश टाट, राजेश चंदेल, प्रदीप भंडारी, राम शर्मा, अरुण, दिनेश, अमित कुमार, राजीव डोगरा, राजेंद्र कुमार सहित अनेक शिक्षकों ने भाग लिया। ये सारी जो उथल पुथल मची है, ये जो फड़फड़ाहट है, उसका कारण यही है। हम कई बार भावनाओं में बहते हैं कि ये हमारी वो इनकम टैक्स वाली रिपोर्ट जो है उसमें छूट नहीं, हमें जो पेन के स्केल अभी तक नहीं आया, अभी ये नहीं मिला, अभी वो नहीं मिला। जो देश रहेगा, देश रहेगा तो हम रहेंगे, और हम रहेंगे तभी ये सब कुछ मिलेगा, नहीं भी मिलेगा तो मैं बोलता हूं जितना मिल रहा है वो बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा है। हम सबसे पहले देश इनके बारे में सोचें कि हमारा देश जो है वो इसे और बनना चाहिए, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनना चाहिए। हम मेहनत करके, मजदूरी करके, कुछ भी करके जी लेंगे, भूखे पेट सो लेंगे, लेकिन देश पर आंच नहीं आनी चाहिए। कार्यक्रम में वक्त चला, एक छोटे से ब्रेक का ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।